अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ हरा चिकन फ्राई। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से है ये, बिल्कुल ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लगते। ये 1 किलो चिकन है और इसको मैं वॉश करके रख ली। और इसके लिए मैं ले हूँ 1 बड़ा बंच कोथमीर का और 1 बड़ा बंच पुदीने का। इसके काढ़ियाँ मोटे निकाल के कोथमीर और पुदीने को कट कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और 7 से 8 हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और 1 लेमन। अब इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची है, 2 टेबलस्पून है अदरक लहसुन। अब इसको हाथ से अच्छे से लगा के इसको 1/2 घंटे के लिए ढाक के छोड़ देंगे। हाँ, इसमें लेमन जूस भी लगा देंगे, जो मैं 1 लेमन बताई थी, तो लेमन जूस भी अच्छे से इसमें लगा देंगे और 1/2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। चलिए, 1/2 घंटा हो गया, अब इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। अब एक बर्तन रख दी मैं और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाली। और ये 1 किलो चिकन में जितना ऑयल लगता है, अब आधा डालेंगे, आधा कोथमीर पुदीना को ग्राइंड करते वक्त पीसते वक्त उसमें आधा डालेंगे। अब इसको हम 10 मिनट तक टेस्ट लेंगे, बीच बीच में मिलाते हुए 10 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट तक मैं इसको अच्छे से पका ली, बीच बीच में 2 बार मिला दी। और इसको फ्लेम, अब इसको ढाक देंगे और फ्लेम को धीमा कर देंगे 15 मिनट के लिए। धीमे फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा, जब तक हम कोथमीर पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालूँ गरम मसाला हुए, सिर्फ हरा मसाले का टेस्ट देना है, फ्लेवर देना है, इसलिए मैं ज़्यादा गरम मसाला हुए कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ इससे भी अच्छा होता। ये 2 टेबलस्पून ऑयल है, ऑयल डाल के हम इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब इसमें 15 से 20 काजू, और ये मोटे डबल वाले हैं, अगर सिंगल रहे तो और थोड़ा सा बढ़ के डाल सकते हैं, इसको भी पेस्ट बना लेंगे। चलिए, हमारा पेस्ट तैयार है, इसको साइड में रख देंगे 15 मिनट के लिए। मैं धीमे पे रखे थे, 15 मिनट हो गए और माशाल्लाह देखिए हड्डी हल्के से छोड़ना शुरू हो गई। ये चिकन गल गया। और फ्लेम को तेज़ कर देंगे और तेज़ करके ढक के इसका जो पानी है, जो चिकन में से पानी जो रिलीज हुआ, वो पानी को सुखा लेंगे। पानी अच्छे से इसका सूख गया। अब जो पेस्ट हम बना के रखे थे वो पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम को तेज़ रखेंगे और मिलाते जाएंगे। इसका जो पानी है इससे वो सूखना, जब तक इसको फ्राई करते रहेंगे। और 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डालिए। कसूरी मेथी अगर है आपके पास डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से इसका टेस्ट और फ्लेवर के लिए मैं डाली, क्यों इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, गरम मसाला, धनिया पाउडर कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज़ों से हम बनाएंगे। माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई हो गया। जो कोथमीर पुदीना जो हरा मसाला हम डाले थे, उसका जो मॉइस्चर रहता उसमें वो सूख गया, और ऑयल इसी से अच्छे से रिलीज होना शुरू हो गया। अगर आप चाह रहे हो थोड़ी हल्की सी, अगर ग्रेवी टाइप बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून दही डाल सकते हैं। ये हमारा चिकन तैयार है, उसको निकाल लेंगे। इसमें मैं कलर नहीं डाली, ये हरे मसाले का ही कलर है। माशाल्लाह हमारा चिकन बहुत ज़बरदस्त बना। इसकी ग्रेवी भी हल्की सी, जो इसमें मसाला है वो भी काफ़ी होता है। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी रख सकते हैं, या प्लाटर के टाइप में भी इसको रख सकते हैं। बिल्कुल कम चीज़ों से, जो घर में हमेशा अवेलेबल रहते, आप उससे बना सकते। टेस्ट भी अच्छा है इसका, फ्लेवर भी अच्छा है। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाह रहे हैं तो थोड़ा सा दही को ऐड कर सकते हैं। चलिए, मेरे हरे चिकन की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।